तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब चालू होने वाला है 20 डेज प्लेज, सिर्फ एक दिन बाकी है। बहुत सारे मेल्स आए हैं, बहुत सारे लोगों ने बोला है बाबा जी #ITakePledge। तो जितनी अच्छी शुरुआत हो रही है इसको कंसिस्टेंट भी रखना है। अगर आप टाइमिंग्स फॉलो नहीं करोगे, अगर आप अपने हिसाब से सोच के बैठ जाओगे यार बाबा जी ने वीडियो अपलोड कर दिया है जब मन आएगा तब देख लेंगे, उसमें वो कमिटमेंट चला जाएगा जो आप 20 डेज प्लेज के अंदर अपने आप से ले रहे हो। जब आपने बोला कि आई टेक प्लेज, तो इसका सिर्फ एक मतलब है और वो ये है कि वीडियो जैसे ही अपलोड होगा वो उतना आधा घंटा आपकी पढ़ाई में जाने वाला है बाबा जी के साथ। ना कि ये कि यार जब चाहेंगे तब पढ़ेंगे, अभी रहने देते हैं, अभी थोड़ी नींद पूरी कर लेते हैं या अभी कुछ और कर लेते हैं। 20 डेज प्लेज का कंसेप्ट ही तो यही है कि जब वीडियो आया तब वीडियो देखना ही है, बाबा जी के साथ पढ़ाई करनी है जब वीडियो फ्रेश हो। और जैसे ही वीडियो प्रीमियर होगा आपका सबसे पहले काम हुआ करेगा कमेंट बॉक्स में अटेंडेंस लगाना कि बाबा जी आ गए हैं आपकी कक्षा को अटेंड करने, और एक भी दिन एब्सेंट नहीं होना है ये 20 दिन के अंदर अंदर। वही कमिटमेंट, वही डेडिकेशन दिखाना है जो हम आप लोगों के लिए दिखा रहे हैं। बस करना कुछ नहीं है, टाइम से आना है जब वीडियो अपलोड होगा। तो बाबा जी टाइमिंग क्या है, कब कब वीडियो आने वाले हैं? सुबह आता है भयंकर आलस, यानी अगर कोई उठा के बोल दे कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ ले बेटा, बस वहीं पे फैलने की तैयारी हो जाती है। इसलिए सुबह सुबह आया करेगा 8 बजे अकाउंटेंसी, ताकि आप अपना उसके बाद मैक्सिमम टाइम अकाउंटेंसी को दो और हो सके तो दिन में अकाउंटेंसी को प्रैक्टिस भी करो। फिर दिन भर आराम से रेस्ट करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता अपने आप को आप बिना बात के पुश करो, मैं नहीं चाहता कि आप बिना बात के खुद को इतनी दुविधा में डालो। फिर आता है शाम के 4 बजे, शाम के 4 बजे हम मिलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के साथ, जहां पे आप वो सिलेक्टेड बच्चे जिन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप लिया है, कॉमर्स बाबा सिर्फ आपके लिए इंट्रोड्यूस कर रहा है ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट। उसके बाद जब शाम के 7 बजेंगे तो मिलेंगे आपके साथ इकोनॉमिक्स में। और यू नो रात में, जब मैं जानता हूं मैक्सिमम टाइम कॉमर्स स्टूडेंट्स जो होते हैं वो रात में पम्प्ड अप होते हैं, काम करने के लिए तैयार होते हैं, रात को पढ़ने का मजा ही अलग होता है, मूड बन जाता है। तब मैं चाहता हूं आप अपना मैक्सिमम टाइम दो बिजनेस स्टडीज के लिए, रात में एकदम पीसफुली पढ़ो, बिकॉज बिजनेस स्टडीज मांगता है आपका कॉन्सेंट्रेशन, आपका कमिटमेंट, और वो एक अंदर से फील आना चाहिए बिजनेस स्टडीज को पढ़ने के लिए, जो कि आप रात को बिजनेस स्टडीज को दे सकते हो। यानी रात के 10 बजे मिलेंगे बिजनेस स्टडीज के साथ, और ये कोई लेट नहीं है, कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो बोर्ड्स के टाइम में ये सोच के बैठा होगा नहीं यार बाबा जी नींद आ जाती है यार 10 बजे। ना बेटा, इतनी जल्दी नहीं सोना है। कम से कम अगर बिजनेस स्टडीज के साथ अपना दिन खत्म करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, चाहे मेरे साथ पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन 12 बजे तक तो जगने की आदत डालो। 6 घंटे से 8 घंटे से ज्यादा नींद नहीं होनी चाहिए। 8 घंटे तो मैं तब कह रहा हूं जब तुम लोग बहुत आलस करते हो, नींद बड़ी आउंदी है। अगर नहीं है तो कुछ नहीं करना भाई, सिंपली 6 घंटे की नींद लेनी है और बिजनेस स्टडीज पढ़ के सोना है। और हाँ, एक चीज बहुत अच्छे से बता देता हूं जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर टाइम से वीडियो नहीं देखोगे तो बहुत सारी चीजें मिस आउट कर जाओगे, इसलिए जब वीडियो अपलोड हो उसी वक्त देखना तुम लोगों को जरूरी है। तो भाई कॉपी किताब स्केल पेंसिल सब तैयार रख लो, कॉमर्स बाबा आ रहा है 5th February को लेकर 20 डेज प्लेज। जैसे ही 5th February को कॉमर्स बाबा का वीडियो प्रीमियर होगा अकाउंटेंसी का सुबह 8 बजे, मुझे तुम सब लोग मिलना चाहिए उस प्रीमियर में, कमेंट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस दर्ज कराते हुए, और दिखना चाहिए कि तुम सब हो बाबा जी के भक्त। तो मिलते हैं 5th February को #ITakePledge।